नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंगी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 29th एंड 30th ऑफ जनवरी 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोज को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। सभी कोर्सेज की जानकारी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर हमारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं आपके लिए। आप उन्हें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली दोस्तों उसे अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर इजिली अवेलेबल है आप लोगों के लिए, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें अंडर दी वन रूफ मिल जाएंगी, राइट? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को, क्योंकि बहुत कुछ है जानने के लिए। एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और पहली न्यूज के साथ यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। न्यूज नंबर वन, इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2023 ऑब्जर्व ऑन 26th ऑफ जनवरी, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डे की खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे, ठीक है, 2023 में मनाया गया, हर साल मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो ये बात आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, इसके बारे में पूरी हम जानकारी लेंगे, पूरी बात यहाँ पर करेंगे। तो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन मार्क्स इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑन 26th ऑफ जनवरी। दोस्तों आप क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्म में आपको पढ़ा रहे हैं, आप इसके बुलेट पॉइंट्स बना लेंगे, राइट? जो इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर आपको मार्क करवाते हैं उसके आप बुलेट पॉइंट्स बनाते चलिएगा, ताकि जब आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करें तो आपको पूरी डिटेल नहीं बल्कि सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, रिवीजन कर सकते हैं। द डे इज डेडिकेटेड टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द रोल कस्टम्स अथॉरिटीज प्ले इन द सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द क्रॉस बॉर्डर रेगुलेटरी अपैरेटस, राइट? तो दोस्तों बेसिकली क्या है, क्रॉस बॉर्डर के थ्रू हमारे कस्टम्स लगते हैं, राइट? अगर मान लीजिए इंडिया के बॉर्डर से बाहर अगर कोई चीज जा रही है तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, आ रही है तो भी लगेगी, ठीक है? तो वो होता है बेसिकली कस्टम, आपको पता है ये बात, और इसका सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है? क्योंकि जो भी हमारे गुड्स का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, जो भी हमारे गुड्स है, ठीक है, जो भी हमारे गुड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया से कुछ बाहर जा रहा है, इंडिया के कुछ अंदर आ रहा है, ठीक है, तो जो गुड्स का इनफ्लो है या फिर आउटफ्लो है, ठीक है, उस पर लगता है आपका कस्टम ड्यूटी, ठीक है? कोई भी काइंड ऑफ गुड हो, वैल्यूएबल कमर्शियल हो, शिपमेंट्स के थ्रू हो, ठीक है? तो पोटेंशियल गैप में यहाँ पर सिटीजन की सेफ्टी के लिए और लॉ के कंप्लायंस के लिए यहाँ पर क्या लिया जाता है, तो उसको कस्टम्स डे यहाँ पर मनाया जाता है, जिसे पूरा वर्ल्ड वाइड हम इससे क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका लोगो रहता है कस्टम का, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से और बहुत ही समर्ज तरीके से यहाँ पर वीडियोज बनाए जाते हैं दोस्तों, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ा सके। सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर इसका एम होता है, ठीक है, एम के साथ साथ होती है हर साल की थीम। तो इस बार 2023 की थीम क्या है, नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग प्रोफेशनल प्राइड विद कस्टम्स, राइट? थोड़ी सी बड़ी थीम है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इसका एमसीक्यू एक्सपेक्ट करेंगे ना दोस्तों, तो या तो डेट पर क्वेश्चन पूछता है, या थीम पर पूछता है, या कोई अगर उसका मोटो होता है, एम होता है, उस पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे देखिए किस तरीके से थीम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन जनवरी 26 एंड द थीम फॉर 2023 इज, तो यहाँ पर डैश हो जाएगा और आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स, राइट? तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका थीम हो जाएगा, ठीक है? बड़ा इजी है और आपको इधर क्या करना है, इसे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं न्यूज नंबर टू की तरफ, और न्यूज नंबर टू यहाँ पर हमें क्या कहता है, इसकी बात हम करेंगे। तो इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व ऑन 27th ऑफ जनवरी। तो एवरी ईयर इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन जनवरी 27 टू रिफ्लेक्ट ऑन द एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय एडोल्फ हिटलर विच रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ एन एस्टिमेटेड 6 मिलियन ज्यूज, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली रिमेम्बर जो ज्यूज की यहाँ पर डेथ हुई थी, ठीक है, उनकी यहाँ पर दिवस पर
इसे क्या मनाया जाता है दोस्तों, होलोकॉस्ट डे बोलकर मनाया जाता है। सबसे बड़ी भी बात है कि इसकी थीम यहाँ पर है, तो थीम क्या रहेगी, होम एंड बिलोंगिंग। ठीक है, क्या रहेगी, होम एंड बिलोंगिंग। अब देखो, एक बार मैंने आप लोगों को बता दिया था, आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, है ना, होलोकॉस्ट डे। अच्छा, एक बार मैंने आपको थीम पर क्वेश्चन बता दिया, इस बार हम आपको डेट पर क्वेश्चन बताते हैं। तो एवरी ईयर इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन डैश टू रिफ्लेक्ट ऑन द एट्रोसिटीज इन्फ्लिक्टेड बाय एडोल्फ हिटलर व्हिच रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ एन एस्टिमेटेड 6 मिलियन ज्यूज। तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, January 27, राइट। बड़ा इजी होता है, बड़ा सिंपल होता है इंपॉर्टेंट डेज को कवर करना, लेकिन आपको दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आपको धीरे धीरे इसको नर्चर करना पड़ता है, कल्चर करना पड़ता है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि एग्जाम के 3 दिन पहले हम पढ़ लें, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे आप मैथ्स प्रैक्टिस करते हो, जैसे आप रेल रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हो, उस तरीके से करंट अफेयर्स भी आपको रोज डेली आधा घंटा एक घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं न्यूज नंबर 3 की। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन अवार्डेड एज ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट, राइट। आगे बात करते हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन हैज रिसीव्ड द प्रेस्टीजियस ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट प्लैटिनम रेटिंग। द सर्टिफिकेट हैज बीन अवार्डेड बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फॉर अडॉप्टिंग ग्रीन कॉन्सेप्ट्स। इट सिक्योर्ड 82 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स in 6 environmental categories and the environment directorate of Indian Railways with the support of IGBC. देखो, सिंपल बात है, 6 पैरामीटर, 6 पिलर के पैरामीटर पर नापा जाता है और उसके बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी 100 नंबर में से 82 नंबर यहाँ पर ग्रैब किए किसने, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ने, और उसे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि मैम ये ग्रीन रेलवे स्टेशन होता क्या है, मेरा सबसे बड़ा जो यहाँ पर जानने का या समझने का पॉइंट है वो ये है कि जो ग्रीन रेलवे स्टेशन होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ग्रीन रेलवे स्टेशन क्या होता है, जो कि रिड्यूस करता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को। ठीक है, स्टेशन ऑपरेशन मेंटेनेंस और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो होता है पैसेंजर्स का, उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। मतलब जो भी हार्मफुल, ठीक है, समझना मेरी बात को, जो भी हार्मफुल इन्वायरमेंटल आपके जो इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको जितना कम कर सके, जितना रिड्यूस कर सके, वो स्टेशन कहलाता है ग्रीन रेलवे स्टेशन। ठीक है, और इसका जो दोस्तों रेटिंग होती है वो हेल्प करती है कि किस तरीके से, मतलब जो 6 पिलर मैंने आपको बताया, उसमें वाटर कंजर्वेशन आता है, हैंडलिंग ऑफ वेस्ट आता है, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी आता है, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल जितना रिड्यूस कर सके उतना आता है, लेसर डिपेंडेंस ऑन द यूजेस ऑफ वर्जिन मटेरियल आता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेंट्स का हेल्थ और ऑक्यूपेंसी पर आता है। तो ऐसे कर 6 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर जज किया जाता है, उसके बाद कोई रेलवे स्टेशन जाकर क्या बनता है, ग्रीन रेलवे स्टेशन का उसको रेटिंग मिलता है और ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन उसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जितना हजार्डियस कम से कम होगा एनवायरमेंट का, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, ग्रीन रेलवे स्टेशन। ठीक है, ग्रीन रेलवे स्टेशन, सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। अच्छा, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, विच रेलवे स्टेशन हैज बीन अवार्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लैटिनम। तो करेक्ट हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, राइट। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे दोस्तों न्यूज नंबर 4 के साथ। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन नॉमिनेटेड जूली टर्नर एज अ नॉर्थ कोरिया ह्यूमन राइट्स एनवॉय। तो दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स है, थोड़ा बहुत हम इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए, द व्हाइट हाउस नॉमिनेटेड अ स्पेशल एनवॉय ऑफ ह्यूमन राइट्स इन नॉर्थ कोरिया मूविंग टू फिल अ पोस्ट दैट हैज बीन एम्प्टी सिंस 2017 अमिड डिबेट ओवर हाउ राइट्स इश्यूड फिट विद एफर्ट्स टू काउंटर प्योंगयांग्स की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। देखो, सिंपल बात है कि यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन ने नॉमिनेट किया जूली टर्नर को एज अ नॉर्थ कोरिया ह्यूमन राइट एनवॉय। ठीक है, आप इनकी यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये आपका नॉर्थ कोरिया का फ्लैग। ठीक है, इसको अपॉइंट करने वाले कौन है, आपके यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका नेम पर क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, डायरेक्ट आपका नेम पर क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट। हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ स्पेशल एनवॉय फॉर ह्यूमन राइट्स इन नॉर्थ कोरिया बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो करेक्ट हो जाएगा आपका जूली टर्नर, राइट। बहुत सिंपल है, प्लीज आप इसे यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, और इनका जो नेम है दोस्तों उसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो के दोस्तों पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और अपॉइंटमेंट के ऊपर यहाँ पर बात की जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आरबीआई अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ प्रभदेव
सिंह एज अ न्यू सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन चेज, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर बेसिकली आरबीआई ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट किसका, प्रभदेव सिंह का, जो कि न्यू सीईओ बने हैं जेपी मॉर्गन चेज के। देखो क्या है ये, इंडिया सेंट्रल बैंक हैज अप्रूव जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी टू अपॉइंट प्रभदेव सिंह एज लेंडर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन द कंट्री, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ 3-year टर्म फॉर प्रभदेव लास्ट वीक। मतलब इनका टेन्योर कितना दिन का दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, 3 साल का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए लगाए हैं, लिखे हैं, ताकि आप इसे क्या कर सके दोस्तों, पढ़ सके और इससे अपना इजीली आप बना सकते हैं जो भी आपको नोट्स बनाने हैं। तो प्रभदेव सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज जेपी मॉर्गन इंटरिम सीईओ सिंस नवंबर। ही हैज रिप्लेस्ड माधव कल्याण, ठीक है, हु हैज हेड ऑफ पेमेंट्स इन द एशिया पैसिफिक। वॉल स्ट्रीट फर्म जेपी मॉर्गन ट्रेसेस इन द प्रेजेंस इन इंडिया बैक टू 1922, ठीक है। जेपी मॉर्गन हैज 4 कमर्शियल बैंक ब्रांचेस इन द कंट्री एंड प्रभदेव सिंह इज ट्रेन्ड इंजीनियर एंड हैज वर्क्ड फॉर डेकेड इन एचएसबीसी होल्डिंग प्लेस बिफोर ज्वाइनिंग जेपी मॉर्गन इन 2010। तो यहाँ पर सारी चीज है, जेपी मॉर्गन के बारे में भी बताई गई है, 4 पूरी ऑफिशियल इन लोगों की यहाँ पर ब्रांचेस है पूरे इंडिया में, और यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, माधव कल्याण, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी जो है वो यूएस की आज के डेट में सबसे लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी जेपी मॉर्गन जो है दोस्तों वो यूएस की लार्जेस्ट बैंक यहाँ पर कहलाती है, मैं आपको बता दूं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रभदेव सिंह की फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और हमारा आरबीआई, आरबीआई की बात करूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आता है दोस्तों 1934 और एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आरबीआई की गवर्नर कौन है, तो श्री शक्तिकांता दास है, आपको पता है, और ये 25th पोजिशन पर अभी हमारे प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई के। आगे चलते इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, तो करेक्ट हो जाएगा आपका प्रभदेव सिंह, ठीक है, इजी है, प्लीज इसको क्या करेंगे, रिमेंबर करेंगे। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। इंडियन रेलवेज लॉन्चेस आइडियल ट्रेन प्रोफाइल मैक्सिमाइज सीट यूटिलाइजेशन। द इंडियन रेलवेज हैव सक्सेसफुली कंक्लूडेड द ट्रायल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम इट बिल्ट टू फिक्स द एंडलेस प्रॉब्लम्स ऑफ वेटिंग लिस्ट। द इंडियन रेलवेज हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द आइडियल ट्रेन प्रोफाइल टू मैक्सिमाइज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन इन रिजर्व्ड मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स बाय रेगुलरली एनालाइजिंग द डिमांड पैटर्न ऑफ एवरी सिंगल ट्रेन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है दोस्तों, जितनी ट्रेन है उनका मैक्सिमम यूज लिया जा सके इसके ऊपर एक बेसिकली प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, आइडल ट्रेन प्रोफाइल, किसके द्वारा, इंडियन रेलवेज के द्वारा, ठीक है। ये आपको एक तो यहाँ पर ध्यान रखना, और जो पूरा मॉड्यूल है कम्प्लीटली एफर्ट रहेगा एक्सटेंसिव बाय द ओवर 2 ईयर्स, ठीक है, ओवर 2 ईयर्स तक यहाँ पर इसका पूरा प्लान एंड ब्रॉडकास्ट किया गया, और जाकर इसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर रहेगी, है ना। तो इसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे इस पर, पूरी बात हमें जरूर करनी चाहिए। अगर मैं आपको और बताऊं तो कम से कम नहीं तो पूरी 200 ट्रेन इसमें रोल आउट होगी इस प्रोजेक्ट में, और कम से कम ऑक्यूपेंसी जो है 5-6% यहाँ पर देखने को मिल सकती है आपको बढ़ने में, ठीक है। उसके बाद जो भी उसकी डेस्टिनेशन पेयर्स है, डेट्स है, टाइमिंग है, उन सबको मॉनिटर किया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो द इंडियन रेलवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड आइडियल ट्रेन प्रोफाइल टू मैक्सिमाइज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन इन रिजर्व्ड मेल एक्सप्रेस। हाउ मेनी रेलवे जोन्स आर देयर इन इंडिया, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 90, ठीक है। तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल अवार्ड्स विनर्स इन द आईसीसी अवार्ड्स 2022। तो बेसिकली यहाँ पर आईसीसी हैज अनाउंस्ड द फर्स्ट इंडिविजुअल एंड अवार्ड्स विनर इन आईसीसी अवार्ड्स 2022, नेमिंग द स्टार्स ऑनर्ड इन द एसोसिएट इमेजिंग एंड T20i categories following a global vote conducted among the specialist panel of media representatives, the ICC voting academy and global fans who voted for their favorite stars. Winners in the 13 individuals categories were based on overall performance and achievements through the calendar year. देखिए तो basically यहाँ पर देखो मैंने list दी है, तो और कुछ मत पढ़ो, तुम तो ये list पढ़ लो, ठीक है। ये awards की या winners की सारी list है, जैसे देखिए सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी किसको मिली, बाबर अजम को, रेचल हेयोफ्लिंट ट्रॉफी नैट सीवर को इंग्लैंड के, उसके बाद मेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का ये किसको, सूर्य कुमार यादव जी को, ठीक है। विमेन्स का किसको मिला, तालिया मैकग्रेथ को, ठीक है। उसके बाद देखो पूरा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको मिला, आशीष शेख नेपाल से, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दी है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, और वीडियो में भी मैंने दे दी है,
ताकि आप लोग इसके पॉइंट्स को क्या कर लें, याद कर लें। वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर टीम नैट सीवर को मिला है, फिर वो कहां की, इंग्लैंड की, आपको पता है। तो आईसीसी अवार्ड्स की पूरी लिस्ट है आपके पास, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किस तरीके से कोई भी एक पॉइंट से। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन क्रिकेटर टू हैव वॉन द आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ ईयर अवार्ड, तो करेक्ट हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 की तरफ। यूएन स्लैशेस इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट बाय 20 बीपीएस, दैट इज योर बेस पॉइंट्स, टू 5.8 फॉर द 2023, राइट। तो यहां पर यूएन ने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट किया इंडिया का फॉर द कैलेंडर ईयर 23 टू 5.8%, साइटिंग द इफेक्ट ऑफ टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी, वीक ग्लोबल डिमांड, ग्रोथ इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एट 5.8%, अल्बेट स्लाइटली लोअर देन द एस्टिमेटेड 6.4%, राइट। तो यहाँ पर सिंपल है कि यहाँ पर जो इकोनॉमी ग्रोथ फोरकास्ट है वो 20 बेसिस पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पर क्या की गई है, स्लो डाउन की गई है, सिंपल बात है। यूएन ने की है इंडिया के जीडीपी को लेकर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, चलिए। तो दो आपको सिंपल है कहां पर यहाँ पर फोरकास्ट किया गया, तो 5.8% पर फोरकास्ट किया गया, ये बात आपको बतानी होगी। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। ओपो इंडियन कॉमन सर्विस सेंटर्स टू ट्रेन 10,000 वुमेन एज साइबर संगरीज। ओपो इंडिया और गवर्नमेंट कॉमन सर्विसेज सेंटर ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि 10,000 वुमेन्स को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, साइबर वेलनेस के लिए। और इनिशिएटिव ऑफ द पार्टनरशिप बिंग ओपो इंडिया एंड सीएससी इज एम्पावर रूरल एंड सेमी अर्बन वुमेन थ्रू साइबर संगनी प्रोग्राम विच इज सपोर्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, इसके अंडर कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर दोस्तों रहेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना मेती रहेगी, ठीक है, मेती, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको जाने, है ना। और साइबर संगनीज के नाम से दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ओपो इंडिया एंड कॉमन सर्विसेज सेंटर टू ट्रेन डैश वुमेन एज साइबर संगनीज, तो करेक्ट हो जाएगा आपका 10,000, राइट। आगे चलते हैं, लास्ट हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा आपके साथ, न्यूज रहेगा आज के सेशन का, न्यूज नंबर 10 के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबीर अली आयरन मैन ऑफ इंडिया पासेस अवे एट द एज ऑफ 67, डिमाइस है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया सबीर अली वॉन द डेकेथलन गोल्ड एट 1981 एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप इन टोक्यो, पास अवे एंड ही वॉज 67 ईयर्स एज। Ali, who retired from railways, won the title of Japanese capital with a tally of 7,253 points, beating Japan's Nobuo Saito and China's Zhu Qiling. ठीक है, सिंपल। अच्छा, आप फोटो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया सबीर अली, who has passed recently, belongs to which of the following field of interest? तो ये कौन थे, एथलीट। ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। शेयर करते रहिए फ्रेंड्स रिलेटिव ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट के साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेलीग्राम पर डायरेक्टली आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं फॉर द वीडियोस लिंक पीडीएफ एवरीथिंग, और बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोज के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।